अगर ऐसा कहा जाए कि भाई हमारे 6 गोस्वामी हैं, तो श्रील रूप गोस्वामी क्यों मुख्य हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मन की बात वो जानते हैं। श्री चैतन्य मनोविष्टम और मन की बात को जान के स्थापितम ये न भूतले, उन्होंने इस पृथ्वी पर उस मन चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को स्थापित किया है। मतलब महाप्रभु के मन में जो आता है वो लिखते हैं, महाप्रभु के मन की बात को जानते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु समुद्र के किनारे पर जो टीले हैं और कुछ है ना देख रहे थे मट्टी के टीलों को, और उन्होंने जो विचार बताए, जो विचार सोचे और जो प्रकट किए, उन्हें को श्री रूप गोस्वामी ने लिपिबद्ध कर दिया और वो आज हमारे सामने उपदेश अमृत के स्वरूप में। मतलब हम ये डायरेक्ट किसके मन की बात सुन रहे हैं? अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, मतलब उनके मनोभाव को हमें किसके द्वारा पता चल रहा है? रूप गोस्वामी। और चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों चाहते हैं जो उपदेश यहाँ पर उपदेश अमृत में लिखे हुए, वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं? कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। अब कृष्ण प्रेम जो है वो, अब जैसे समझो, ऐसा अगर हम समझें कि कृष्ण प्रेम एक बहुत ही मीठी, स्वादिष्ट और बहुत ही मधुर खीर है। कृष्ण प्रेम को अगर हम थोड़ी देर के लिए खीर के संदर्भ में समझें, तो आपको अगर मैं बहुत ही सुंदर खीर देने वाली हूँ और आपके पास जो पात्र है उसके अंदर गंदगी लगी हुई है, गोबर लगा हुआ है, कचरा लगा हुआ है और है ना गंदा पूरा लगा पड़ा है, तो मैं जो आपको दूंगी वो क्या हो जाएगी? सारी खीर गंदी हो जाएगी। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमारे पात्र को साफ करना पड़ेगा। तो कृष्ण प्रेम प्रदान करने से पहले हमारे जो हृदय रूपी पात्र है उसको स्वच्छ करने के लिए ये उपदेश जो है वो हमको बताए जा रहे हैं।